गुड मॉर्निंग, अभी भी सो के उठे हैं? ठंड हो गई है, चलो बाहर का मौसम देखते हैं। बाहर का मौसम देखते हैं भाई। अरे भगवान, आज तो मौसम, अरे अरे अरे, ठंड हो गई है, ठंडा ठंडा लग रहा है। उठते पहले गर्म पानी, फिर ग्रीन टी, लेमन ग्रास वाली चाय नहीं होती। अच्छी ही मैडम जी, तो मैडम जी ये देखो जी, ये छोटा सा बच्चा है ना, इसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। मेरी चाय तो ना बन रही है। हमारे दिनचर्या शुरू है। एक इंसान घर में चाय पीता है, उसके लिए चाय बनेगी। एक के लिए ग्रीन टी, एक के लिए चाय, और एक मैडम के लिए बन रही है कोल्ड कॉफी। ग्रीन टी नकचड़ी बहन के लिए कोल्ड कॉफी। ये देखिए मेरी नकचड़ी बहन, एक बन रही है चाय। तीन आज चंडीगढ़ में मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। ये मैडम जी को फ्रूट छोटी ब्रेक के लिए, मैडम इनकी ऐसे तैयारियां करनी पड़ती हैं भाई, मेरा सारा जो है वो इन्हीं के उसमें निकल जाता है। काटो, बनाओ, को मॉर्निंग पता ही नहीं चलती कहाँ गई। अपने लिए कोई टाइम नहीं, इसीलिए तो लाओ जी मैडम जी, लाओ जी उसकी बॉटल बन गई। तो जी दिन की शुरुआत जो है, अब नेक्स्ट नाश्ता है, और नाश्ते में मैंने क्या किया है आज, आज बनाऊंगी मैं ब्रेड पकौड़ा। लेकिन ब्रेड पकौड़े में मतलब पूरी तरह से डीप फ्राई नहीं बनाऊंगी। मैंने क्या किया है, सब भी मतलब जितनी मेरे पास सब्जियां थी, शिमला मिर्च थी, गाजर थी, और येलो ग्रीन जो वो कैप्सिकम, वो सारा कुछ मतलब कट करके, प्याज पूज काट के मतलब ग्राइंड करके उनको मैंने उस में बेसन में घोल दिया है उसको। उसमें नमक मिर्च खाली चाट मसाला डाल के, और इस तरह से जो है वो देखिए ये मैंने बना लिए हैं। लेकिन मैं तेल जो है मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी इसको, शैलो फ्राई करूंगी, क्योंकि तेल हम लोग, मैं बता चुकी हूँ, हम लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं घी तेल। तो इस तरह से देखिए मैं बना रही हूँ। और बाकी मतलब ये भी आप लोगों को सब्जियां भी मिल जाती हैं, और ये देखिए इस तरह से बन के तैयार हो गए हैं। आपको तेल ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, मैंने बहुत कम क्वांटिटी में ऑलिव ऑयल डाला है। पहले नीचे नहीं लगाया था, साइडों में इसलिए लगाया क्योंकि साइड से थोड़ा फिर निकालना मुश्किल हो जाता है, नहीं तो मेरा बस चले तो मैं वो भी ना डालूँ। और ये जो है इस तरह से बन के तैयार हो गए हैं। आप देखते हैं, चलते हैं बच्चों के पास, अंशुल को देती हूँ, देखती हूँ उसका रिव्यू क्या है, क्या बोलता है, कैसे बने हैं। तो ये तो वही बताएगा, वहीं जाके पता चलेगा भी कैसे बने कैसे नहीं, ये अंशुल बताएगा। तो चलो अंशुल को देती हूँ और देखती हूँ। अरे उसकी तो मीटिंग चल रही है,
और मीटिंग में भाई साहब तो नहीं बोलेंगे, मुझे पता है। तो देखिए ना, से ही मैं खुद ही रिव्यू दूंगी, क्योंकि मेरे अंशुल है, रिचल तो कॉलेज जा चुकी है, तो हम दोनों ने खाना है, तो देखते हैं, मैं खा के रिव्यू दूंगी। चलो ठीक है, अब ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब लंच की तैयारी शुरू है। लंच में बन रही है आज कढ़ी, और ये देखिए मम्मी ने बेसन का बैटर तैयार कर रहे हैं, और इस साथ में हम पकौड़े भी हम खुद बनाते हैं, कढ़ी पकौड़े, मम्मी के ढाबे में पकौड़े। और हम ये पकौड़े किस चीज के बनाएंगे? ये बनाएंगे पालक के। अरे पालक पता कहाँ की है? ये मेरे किचन गार्डन की है, मेरे खेत की। उसका भी वो करवाएंगे आपको कि किचन गार्डन में हमारे क्या क्या लगाए। बिल्कुल बिल्कुल, मम्मी ने बहुत सी चीजें लगाई हुई है जो हम अपने घर की यूज करते हैं मैक्सिमम। और ये देखिए मम्मी कढ़ी बनाने की तैयारी में शुरू हो गए हैं। आज लंच में कढ़ी चावल बनेंगे। जो असिस्टेंट है ना, एक कमेंट्री करता है। नहीं, मेरा असिस्टेंट बहुत काम करता है, पर दिखाता हूँ मुझे ही है। और ये देखिए हमने तेल गरम करने के लगा दिया है। अब हम इसमें पकौड़े बनाएंगे। 10 बार इधर से उधर जाऊंगी, क्योंकि मेरे को सफाई का जो है वो कीड़ा कुछ ज्यादा है, साथ साथ में सफाई होती रहती है। कोई खास तामझाम नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से मैं कढ़ी बनाती हूँ भाई। थोड़ा सा नमक, हल्दी, वैसे लाल मिर्च हम नहीं खाते हैं, लेकिन आज मैंने पीसी नहीं इसलिए मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ। और जी बस 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 बस, अजवाइन डलेगी। ये अजवाइन से टेस्ट अच्छा आएगा पकौड़ों में, टेस्ट भी आएगा बेटा जी, और डाइजेशन भी सही रहता है। हाँ, क्योंकि बेसन से बोलते हैं पेट खराब होता है। पेट खराब होता है। अब जी पेट खराब होगा तेरा, फिर तू फिर बोलेगी नहीं होना पेट खराब। बेसन से कोई पेट खराब नहीं होता। बेसन से नहीं होता बोलते, बेसन से होता है। इसने बोला आपको पकौड़े मत खाइए। अच्छा, तू पकौड़े मुझे दे दियो। ये पता नहीं कौन से जमाने की डॉक्टर है। अच्छा अभी मैं मेरी आवाज आ भी रही होगी, क्योंकि ये चिमनी करके इसमें साउंड इतनी ज्यादा है कि हमारी वॉइस कम आएगी। तो ये देखो मम्मा बहुत ही कम तेल यूज करते हैं पकौड़े बनाने के लिए। कंजूस नहीं हूँ ना, कंजूस नहीं, हेल्थ कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस हूँ, ठीक है, कंजूस नहीं हूँ। मैं घी तेल बहुत कम यूज करती हूँ। और ये भी हम तेल नहीं यूज कर रहे हैं, एक्चुअली में ये हम ऑलिव ऑयल यूज करते हैं। ऑलिव ऑयल क्या क्या नाम है, कच्ची वाली सरसों का तेल, दो दो बाकी भी कुछ करती हूँ, अपनी मेरी मर्जी है जैसे करना है। ठीक है, ठीक मेरी हींग, अरे मेरी जीरा, ये हींग पर है देखो। हाँ दिख गया, अब दिखा दे, अब जीरा, कड़ी पत्ता, सूखी दरबिंद, और कहाँ कड़छी, आइए बाहर कड़छी जी, बाहर आइए, बाहर इसे बड़ी वाली से ना काम ही। मिर्च मसाला आज कम, मिर्च मसाले बनेंगे, ये वैसे लग रहा है इतना है नहीं। लहसुन, अदरक, मिर्ची और प्याज, प्याज तो मैंने आधा ही डाला है, वो मसाला कुछ ज्यादा है, हरी मिर्ची दो है,
आधी एक खिल जाए तो नीचे दो कड़ी की रंगत के लिए दही घर का जमाया हुआ दही ये हमने खुद जमाया था। वाह 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 ये देखो मजा ही मजा। काफी है ना सफिशिएंट यार एक ही टाइम कड़ी तो बनेगी। ये सारा बाहर से हो गया। हाँ कोई बात कुछ साफ कर बस। ये देखो हमने दही ले लिया है। अब इसमें हम बेसन ऐड करेंगे थोड़ा सा। साथ में हमारा तड़का भी हो रहा है कड़ी का। और ये हमने अब दही को फेंट रही है लस्सी बना रहे हैं हम इसको। अब हम दही की लस्सी बनाएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं। कड़कड़ती पड़ेगी ना ये कड़ी कड़कड़ कर ही बनती है। कड़ी का नाम इसीलिए कड़ी रखा है। बनेगी नहीं आप बताओ ना कि कड़ी बन चुकी है। ये देखो हमारी कड़ी अब तैयार हो चुकी है। अभी मतलब तैयार नहीं मतलब अभी हमने इसमें बेसन वो और दही को मिक्स करके तड़के में डाल दिया है। अब ये कड़ेगी कड़ करके फिर हमारी कड़ी तैयार हो जाएगी। और ये मम्मी द शेफ हमारी सी देखने में इतनी यम्मी लग रही है तो खाने में तो फिर डबल यम्मी होगी। डबल यम्मी। चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद जब कड़ी तैयार हो जाएगी फिर हम कड़ी चावल पूरा दिखाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो जी मेरी ये जो वीडियो है मैं यहीं पे मुझे स्टॉप करनी पड़ी क्योंकि घर में कोई गेस्ट आ गए थे तो मैं आगे का शूट नहीं कर पाई। पूरा दिन उसी में बिजी हो गए नहीं तो मैं आपको शाम तक का रूटीन दिखाती। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू। जय माता दी। राम राम सबको। अब जो सपोर्ट मुझे दिखा रहे हैं और जो प्यार मुझे दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी।